हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए एक सीट पर सुबह 9 बजे से विधानसभा में मतदान प्रक्रिया चल रही है। 68 में से 67 विधायक अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू बीमार होने के कारण अब तक मतदान करने नहीं पहुंचे हैं। शाम 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी और 5 बजे मतों की गणना होगी। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंधवी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने हर्ष महाजन को प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतारा है। मतदान के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जीत का दावा करते हुए कहा कि सभी विधायकों ने अपनी पार्टी की विचारधारा पर अपने मत का इस्तेमाल किया है। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, सभी कांग्रेस विधायक सरकार के साथ हैं। विपक्षी भाजपा पैसे की अंतरात्मा की बात कर रही है, क्योंकि भाजपा की कोई अंतरात्मा नहीं है, पैसा ही उनकी अंतरात्मा है। अगर कोई पार्टी की सोच से हटकर वोट डालता है तो उसमें सौदेबाजी का अंदेशा होता है। देखिए, अभी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी वैसे उनसे बातचीत करने के बाद आगे मैं बता सकता हूँ। और निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूँ कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। सर, जयराम ठाकुर बार बार अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, क्या मायने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है, वहाँ तो पैसे आत्मा अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उनकी उन्होंने कुछ ना कुछ सौदेबाजी की होती है। पैसे की अंतरात्मा भाजो, क्या यहाँ भी कुछ इस तरह के? नहीं, मेरे सामने ध्यान में नहीं आया, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सभी विधायक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। हालांकि कुछ लोगों की नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन पार्टी विचारधारा से हटकर कोई भी विधायक वोट नहीं डालेगा। भाजपा ने जरूर कैंडिडेट देखकर सरकार को मुश्किल में डालने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार अपना बहुमत स्थापित करेगी और जो लोग नाराज हैं उसको लेकर सरकार को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अभी भी सरकार के पास काफी समय बचा हुआ है, सभी लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। उससे वो बहुत आश्वस्त है, पर मुझे लगता है कि अंततः लोगों की कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करेगी कि वो वोटी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दें। तो हमारे सभी कांग्रेस के जितने भी विधायक गण हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस की सरकार को मजबूत बनाने का भरसक प्रयास। कल शाम को आपकी बैठक हुई है, उसमें ये भी जानकारी निकल कर आई कि काफ़ी विधायकों ने जो है नाराजगी भी जाहिर की है, क्या लगता है? नहीं, उस बैठक में तो कोई नाराज़गी नहीं जाहिर की। एक तो डिनर था, हम सब इकट्ठे हुए, सब बैठे और जो हमारे नेतृत्व है उन्होंने अपनी अपनी बात की, सबसे अपील की कि आप लोग कांग्रेस का समर्थन करें, किस तरीके से वोट होगी, किस तरीके से आपने उसमें वोटिंग करनी है उसके निर्देश दिए गए, तो सभी ने उसमें सहमति जताई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस इसमें सफल होगी। ये संकट की घड़ी जरूर खड़ी हो गई है, क्योंकि हमें आशा नहीं थी कि भाजपा कोई कैंडिडेट फील्ड करेगा, पर अंततः जो इन्होंने एक कैंडिडेट को फील्ड किया है उसको लगता है कि केंद्र सरकार का आशीर्वाद है और वो बड़े आश्वस्त होकर फील्ड में निकले हैं। पर मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस इसमें सफल होगी और हम अवश्य सरकार का स्टैंड मेंटेन करेंगे और सरकार हमारी बरकरार रहेगी।